महेश जी सुबह की सैर करके वापस लौटे ही थे कि उनकी पत्नी शारदा ने शिकायत करनी शुरू कर दी। देखा आपने अपनी बहू के रंग, मैंने पहले ही कहा था बेटा बेटा कहकर उसे सर पर मत चढ़ाओ। क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी तो कविता कहने लगी, मम्मी जी आप रहने दो, पहले मैं अपना और रितेशा का नाश्ता बना लूं, आप और पिताजी तो घर पर ही रहते हो, बाद में नाश्ता कर लेना। मुझे आज तक किसी ने किचन में जाने से नहीं रोका, अब इनसे पूछ कर किचन में जाना पड़ेगा। सही तो कह रही है कविता, और रितेश सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलते हैं। तुम तो बेकार ही परेशान हो रही हो। शारदा जी बिना कुछ बोले किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। इसी तरह हर दिन बात बात पर शारदा जी अपनी बहू कविता से बहस करती रहती थी। एक दिन रितेश ने कहा, पापा मैं सोच रहा था कि कहते कहते वह रुक जाता है, क्या बात है बेटा साफ साफ बोल। पापा मौ और कविता में हर दिन बहस होती रहती है, क्यों ना हम अलग रहने लगे। तभी वहाँ शारदा जी आ जाती है। होंग तो महारानी ने पट्टी पढ़ा दी। नहीं मौ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। बेटा जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही, हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी रहें। यह सुनकर शारदा जी रोने लगती हैं। एक ही बेटा है हमारा और आप उसे भी अलग रहने की बात कर रहे हो। जाने दो उसे, हम किसी को बांध कर नहीं रख सकते। अगले दिन कविता और रितेश अलग घर में रहने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, दोनों कभी कभी मिलने आते थे। एक दिन रात को 1 बजे रितेश का फोन रिंग होता है। दूसरी तरफ महेश जी थे। महेश जी उसे बताते हैं कि उसकी मौ को सीने दर्द था, वे उसे हॉस्पिटल लाए हैं, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। रितेश और कविता तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर शारदा जी को 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में रहने की सलाह देता है। कविता दिन रात शारदा जी की सेवा करती है। वह अपनी नौकरी की चिंता करे बगैर दिन रात हॉस्पिटल में रहती है। इधर रितेश घर पर महेश जी का ध्यान रखता है। 1 सप्ताह बाद जब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करता है तो कविता कहती है, मौ को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हम अब मौ पिताजी के साथ रहेंगे। यह सुनकर शारदा जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह बहू को पहली बार कहती है, बेटी मुझे माफ कर दे। मां जी आपकी बेटी होती तो क्या आप उससे माफी मांगती? आज से आप कितना भी डांटे मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक पल आपको खोने के ख्याल से मैं सिहर उठी। उसके बाद चारों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब बहू बेटी बन गई थी, इसलिए शारदा जी और कविता में कभी अनबन नहीं हुई। आनंद लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।